फिर जानते हैं कि भाजपा का एक अंग सीबीआई भी हो गया, भाजपा का एक अंग ईडी भी है, भाजपा का एक अंग आईटी भी हो गया। पटना में जितने भी बैंक हैं जिसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। उनको ऐसी आशंका है कि हमारे पास 10-20 लॉकर है। नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बुधवार को आरजेडी के नेताओं के ऊपर सीबीआई ने जिस तरह शिकंजा कसा और देर रात तक उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चलती रही, उसके बाद अब आज एक और ताजा खबर सामने आई है। आरजेडी के एमएलसी और पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के बैंक लॉकर की जांच चल रही है। सीबीआई की टीम आज बैंक पहुंची है और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बैंक लॉकरों की जाँच कर रही है। सीबीआई के अधिकारी आज पटना के श्रीकृष्णपुरी इलाके में पहुंचे, जहां किशोरी स्थित एसबीआई की शाखा में सुनील कुमार सिंह का लॉकर है। सीबीआई की टीम ने इस रेल लॉकर को सुनील कुमार सिंह की पत्नी और बेटी की मौजूदगी में खुलवाया है और उसकी छानबीन की है। वहीं इस पूरी कार्रवाई पर आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सुनील जी, आपके लॉकर को देखने आई आपकी पत्नी और बेटे के साथ? हां बिल्कुल, हमको ही पता है। एक्चुअली क्या है कि पटना में जितने भी बैंक हैं जिसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। उनको ऐसी आशंका है कि हमारे पास 10-20 लॉकर है, तो हम कहे कि हमारे नॉलेज में 2 या 3 लॉकर है। अगर इसके अतिरिक्त कोई लॉकर है तो कृपया हमें भी सूचित कीजिए ताकि हमको भी पता लगे कि मेरा लॉकर कहाँ है। तो अभी जस्ट हमारी पत्नी ने फ़ोन किया और सीबीआई अफसर जो इसके आईओ हैं उन्होंने भी अभी हमको फ़ोन किया। हम बोले कि हम तो नहीं आ सकते हैं, आपको जहाँ भी लॉकर देखना है, जहाँ भी आपको लॉकर खुलवाना है, हम अपने वाइफ को बोल देते हैं, हमारी वाइफ बेटा के साथ आप लोगों के साथ चली जाएगी और आप जो भी खोजना चाहते हैं आप खोज लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एक टीम मेरे घर पर बैठा हुआ है और एक टीम बैंक में है, जहाँ बोरिंग रोड स्टेट बैंक का जो पर्सनल बैंकिंग है वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारी वाइफ पहुँच गई है और जो भी होगा तो सामने आएगा ना। वो देखिए, जो मनसा से जो वो रेड किए उसमें कहीं दूर दूर तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका मनसा कहीं और है, कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है और हम नहीं समझते हैं कि वो सफल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे सीबीआई और पूरे भाजपा, आप भी जानते हैं कि भाजपा का एक अंग सीबीआई भी हो गया, भाजपा का एक अंग ईडी भी है, भाजपा का एक अंग आईटी भी हो गया। तो कहने का मतलब है जो भी इनका महत्वपूर्ण अंग है ये इस चीज़ पे लगा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों के गठबंधन को दूर किया जाए, किस तरह से तेजस्वी यादव को किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाए, किसी न किसी मामले में तेजस्वी यादव को आरोपित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनका कोई मनसा नहीं है। जो केस आपको सुनने में आता है कि भाई जो जमीन के बदले नौकरी दी गई, इससे इसको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और हमारे पास 14 घंटा तक सीबीआई के अफसर बैठे रहे, कभी भी उन्होंने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि भाई ये जमीन क्या है, आप रेड आए हैं उसी सिलसिले में करने। और उस चीज को छोड़कर जो बाकी अनर्गल सवाल होता है वही लगातार वो करते रहे। और हमने भी उनको कहा कि कल्पना के आधार पर हम कोई जवाब नहीं देते हैं। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, इस वजह से बोल रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।